वह संवर्धन संभव है। सज्जनों, म्यांमार की ये पवन धरती पर कदम रखकर मैं अभिभूत हूं। म्यांमार वह देश है जिसे हम अब भी ब्रह्म देश पुकारते हैं, जो सभी भारतीयों के हृदय में बहुत निकट है। हमारे देशवासी धम और धर्म द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं। मैं एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे स्पष्ट होगा कि हमारे भाग्य बहुत पहले ही एक दूसरे से जुड़ गए थे। हम सभी जानते हैं कि सम्राट थिवा और उनके परिवार को निर्वासित कर भारत के पश्चिमी तट स्थित छोटे से नगर रत्नागिरी भेज दिया गया था। हम में से कई को संभवतः ज्ञात नहीं होगा कि सम्राट के निर्वासन के बाद एक दशक से भी कम समय में रत्नागिरी के सुपुत्र और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा लोकमान्य तिलक को भी उन्हीं औपनिवेशिक शासकों ने मांडले कारागार में बंदी बना लिया था। क्या यह संयोग मात्र नहीं था कि मांडले की इस धरती पर लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य जैसे अमर ग्रंथ की रचना की? यह महान पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता की सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्मयोग की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती है। हिंदू धर्म में कर्मयोग अथवा कर्म मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, जो आकांक्षा से रहित होकर उचित समय पर उचित कार्य करने पर बल देता है। मुक्ति के इस मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए आत्मचेतना ता आत्मबोध की आवश्यकता होती है, और हम सभी को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए तथागत, जिन्हें हम हिंदू भगवान बुद्ध के रूप में पूजते हैं, से उत्तम मार्गदर्शक कौन हो सकता है? एक भारतीय तथा एक हिंदू के रूप में इस भूमि का ऋणी हूं जिस मिट्टी पर हमें इस महान ग्रंथ की रचना का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सज्जनों, भगवान बुद्ध के तीन महत्वपूर्ण उपदेश धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि तथा संगम शरणम गच्छामि तत्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थल यहां अवस्थित हैं। वाराणसी स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर सहित श्रावस्ती, कपिल, कौसाम्बी, संगीसा आदि प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल भी हमारे प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बनी और तपस्या स्थली बौद्ध गया भी यहां से बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े इन स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम वर्तमान में किया जा रहा है, जिससे देश विदेश के पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध से जुड़े इन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी। मैं नाथ संप्रदाय का एक सन्यासी हूं, जो सांझी हिंदू एवं बौद्ध दार्शनिक तथा धार्मिक परंपरा का एक अन्य उत्तम उदाहरण है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, जो इस परंपरा के आरंभिक गुरु थे, महायान बौद्ध परंपरा में 84 महासिद्धों में माने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उन्हें गोरक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही प्राच्य परंपराओं के टूट अंग हैं, जो दूसरों के विचारों को सुनने में विश्वास करते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन प्रतिक्रिया देने से पूर्व दूसरों की मनस्थिति तथा विचार प्रक्रिया को समझने पर बल देता है। वह किसी भी व्यक्ति के विचारों को पूरी तरह सुनने से पहले उसके विषय में कोई धारणा बनाने की अनुमति भी नहीं देता।
उसके बाद ही वह दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति पर्याप्त सम्मान प्रदर्शित करते हुए आपको अपना दृष्टिकोण रखने देता है, क्योंकि वह मानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी संपूर्ण नहीं है। इस प्रकार द्वंद के स्थान पर मीमांसा अथवा विवेचना को श्रेष्ठ कहा गया है। इसके लिए चार चरण बताए गए हैं जो उपरोक्त चर्चा की सटीक व्याख्या करते हैं। पहला श्रवण अथवा ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरा मनन अथवा गहन मीमांसा, तीसरा चिंतन अर्थात विचार करना, और चौथा कीर्तन अर्थात अपने विचार प्रस्तुत करना। हमारी परंपरा में अनेक उदाहरण हैं जहां तलवार के नोक पर किसी के विचार थोपने के स्थान पर विचारों के आदान प्रदान को सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। सभी जानते हैं कि अद्वैत दर्शन के अनुकरणीय प्रतिपादक आदि शंकराचार्य ने पूर्व मीमांसा परंपरा के अनुयायी एवं उत्पट विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया था। कहा जाता है कि दोनों के बीच शास्त्रार्थ कई महीनों तक चलता रहा। विचारों के जीवंत एवं शांतिपूर्ण आदान प्रदान की ही परंपरा हमें विरासत में प्राप्त हुई है, जो वर्तमान विश्व में दुर्लभ हो गई है। शांतिपूर्ण चर्चा को ही सदैव मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए, और चर्चा के सही मार्ग खोले रखकर द्वंद से यथासंभव बचा जाना चाहिए। भारत में महाभारत जैसे महाकाव्य में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शक्तियों एवं सिद्धियां होते हुए भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कौरवों को अंतिम क्षण तक मनाने का प्रयास किया। इसके लिए वे स्वयं दूत एवं मध्यस्थ बनकर हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंचे। वे भगवान थे, अकेले ही पांडवों की अभिलाषा पूरी कर सकते थे, किंतु वह झुक गए क्योंकि शांति का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान जानते थे ऐसा कोई भी प्रयास करना ही चाहिए जिसका परिणाम शांति हो। इसी प्रकार भगवान बुद्ध द्वंद टालने के प्रबल समर्थक थे। उनका सदियों पुराना संदेश था कि हजारों युद्धों में विजय प्राप्त करने से श्रेयस्कर